नेपोटिज्म स्टार किड्स, ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है कि बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे जब फिल्मों में आते हैं तो किस तरीके से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बड़ी फिल्में आसानी से मिल जाती हैं और उन्हें खास कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, जबकि बाहर के जब लोग आते हैं, बाहर के जब लोग आके कोशिश करते हैं, फिल्में पाने की कोशिश करते हैं, तो उन नए नवेले लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ऐसे एक स्टार किड हैं जो खामोशी से आते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बड़ा प्रमोशन नहीं, कोई बड़ी फिल्म नहीं, और दुनिया भर में छा जाते हैं। कौन है बताती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बात कर रही हूँ जुनैद खान की। जी हाँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद खान, जिनकी फिल्म महाराज 21 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। रिलीज़ थोड़ी टली भी थी क्योंकि इस फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई और इस फिल्म को थोड़ा सा डिले किया गया और उसके बाद आखिरकार 21 जून को ये रिलीज़ हुई। रिलीज़ के दो हफ्ते के भीतर ही इस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हाँ, ग्लोबली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है और देखा जाए इंडिया सहित जो अन्य दूसरे देश है, 22 देश, उसमें ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, यानी कि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जुनैद खान, जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन का सहारा नहीं लिया, चुपचाप ये फिल्म बनी, ऐसा नहीं है कि बनने के दौरान भी बहुत धूमधड़ाका किया या बहुत शोर शराबा कि भी बड़े बजट की फिल्म बन रही है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जुनैद खान और जयदीप अहलावत ज़बरदस्त लगे हैं इसमें। जो इसमें जुनैद खान है उन्होंने करसंदाज का किरदार निभाया है, जयदीप अहलावत जो इसमें जे बने हैं, ये एक सामाजिक बुराई को दर्शाती फिल्म है। और अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में हमने ऐसी फिल्में कम देखी हैं जो इस तरीके से एक सामाजिक मुद्दे को उठाएं और उसके बाद फिल्म को बनाया जाए और फिल्म को पेश किया जाए। फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जहां वो ग्लोबली ट्रेंड कर रही है नंबर 2 पर और तमाम देशों में और 22 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इसी के साथ ही साथ देखा जाए पिछले 2 हफ्तों में, यानी कि 21 जून को जब ये रिलीज़ हुई है उसके बाद से 30 जून तक इसका जो डेटा आया है नेटफ्लिक्स पर, जिस तरीके से इस फिल्म को देखा गया है, फैंस का प्यार मिला है, 5.3 मिलियन व्यूज़ इस फिल्म ने हासिल कर लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जुनैद खान जिस तरीके से चुपचाप एक तरीके से आते हैं, कोई बड़ा प्रमोशन नहीं होता, जबकि वो बेटे किसके हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म का कोई बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं होता है। और जुनैद खान ने भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमने देखा है कि जब भी कोई स्टार किड आता है तो बड़े बड़े इंटरव्यूज देता है, न्यूज़ चैनल्स में जाता है, लेकिन ऐसा जुनैद खान का को हमने करते हुए नहीं देखा। लेकिन ये फिल्म आती है, चुपचाप आती है और धूम मचा देती है। उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से जुनैद खान की ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, जुनैद खान आगे भी इसी तरह की कुछ अच्छी फिल्म लेकर आएंगे। इस फिल्म में जुनैद खान और दूसरी तरफ जयदीप अहलावत ने ज़बरदस्त रोल अदा किया है और वहीं दूसरी तरफ शबरी बाग वो भी ज़बरदस्त लगी है, बाकी जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो भी पसंद आए हैं। सामाजिक बुराई को दिखाती हुई ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद एक ऐसी फिल्म देख रही हूँ जो शोर शराबा नहीं है, जिसमें कोई उस तरीके से बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं है। एक सामाजिक मुद्दे को कहते हैं ना कि फिल्मों में एक तरह से समाज का आईना होती है फिल्में, तो वो समाज को आईना दिखाती ये फिल्म है, रियलिटी पर बेस्ड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है जुनैद खान की फिल्म तो आप ज़रूर देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आपने अगर देख भी ली है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिल्म महाराज आपको कैसी लगी है, और नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर ज़रूर इस फिल्म को देखें। चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाएँ। अपना ख्याल रखें, फिर से होगी आपसे मुलाकात।